हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मेरी जो गाड़ी की है सेकंड सर्विस हो चुकी है और आज अभी मैं जो हूँ इसकी बैलेंसिंग और अलाइनमेंट कराने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो ये शॉप है हमारी और अभी भैया काम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ क्या प्रोसेस रहेगा इसका करने का। इसमें टायर तो चेंज नहीं होने ना, अभी आगे पीछे तो नहीं होने होंगे। पाँच पे हो, दस पे हो, पाँच को अल्टो में। अच्छा, कोई भी गाड़ी हो 5000 किलोमीटर पर करवा लेना वीडियो यूट्यूब पे आएगी। रेस नहीं आता जी, रेस होती ना है, मर्ड रेस नहीं है, रेस होती ना और बड़ा होता फिर। क्या नहीं है? अच्छा, हाँ रेस होती है ना और ज़्यादा बड़ा होता। ये तो सर्विस करा के डायरेक्ट अभी आ रहा। अच्छा, इसमें स्पीड के हिसाब से पता लगता है तुम्हें? हाँ जी, मैं इसको वेट नहीं उतार रहा पुराना, अभी ऐसे ही चेक करता हूँ क्या हिसाब है, क्या पता जीरो या क्या। अच्छा, वेट लगाने का। तो इसमें वेट डालना पड़ता है गाड़ी के पहिए के हिसाब से? वेट भी लगाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, जीरो है वो? जीरो है। इस बार मैंने वेट नहीं उतारा, अभी इसका ऐसे ही चेक करता है। हाँ, तो मतलब सही है, बिल्कुल है, ठीक है। अभी मैंने इस बारे लगाता है। ये तो फ्रंट आगे का फ्रंट का टायर है ना? हाँ, अभी जाओ उधर। अच्छा, ये डायगोनली चेंज होगा? टायर रोटेशन क्रॉसिंग होती है। अच्छा 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 अच्छा, फिर 10000 का करवाओगे आप, फिर सीधे वाली करनी पड़ेगी रोटेशन। अच्छा, इससे काम बहुत ईजी हो गया। वैसे वेट आगे ज्यादा लॉस होता होगा क्योंकि आगे का टायर ज्यादा घूमे है ना, मेरे हिसाब से है ना। मारुति की तो वैसे भी इससे क्या टायर ना, एक तरफ से घिसता रहे टायर बैलेंसिंग के बाद टायर भी रोटा हो जाते हैं। बाकी भी चलाने पे भी डिपेंड है ना, क्या गड्ढे में कितना उतार रहे हो, क्या कर रहे हो। मेरा तो ये मानना है देखो, हर 5000 किलोमीटर का लाइफ एड बैलेंसिंग हो जाना। हाँ, टायर की लाइफ रहती है बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कंपनी कह रही है, सीएट कह रही है, अपोलो कह रही है 1,00,000 किलोमीटर चलेगा। हाँ ठीक है, बट कर रहे हैं चाहिए, लेकिन इतना, बहुत इतना चलता है 50-60 चलता है, वो भी तब चलेगा सही टाइम पे। तो अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराओ सही तरीके से, चलाओ। हाँ, सही तरह चलाओ, हर 5000 पे अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवाओ। अब बहुत लोग हैं चीज़ों को अवॉइड करते हैं, वैसे कहीं को ध्यान भी नहीं रहता कराना अलाइनमेंट। आपको तो पता भी अलाइनमेंट बैलेंसिंग का, यार हमको पता ही नहीं अलाइनमेंट बैलेंसिंग होती क्या है। वही है ना, नॉलेज की भी कमी है ना यार, एक तो अगर चीज के बारे में पता है ना आदमी तो तभी फिर आदमी आता है। तुम्हें यार, तुमने इनसे कह जाते अलाइनमेंट बैलेंसिंग कर दो, मैं तुरंत समझ गया 5-6 हज़ार चल गई होगी भैया, तुम्हारे बोल रहे हैं। मतलब थोड़ी बहुत पता है बंदे को, यहाँ कस्टमर को पता नहीं होता बिल्कुल भी, 5000 का अलाइनमेंट बैलेंसिंग हो जाने।
तो वो फिर तुम कैसे करो, फिर तुम ही बताओ उसे, फिर बताना पड़ता है। वो भी सोचता होगा यार ऐसा नहीं, दुकानदारी करने के लिए बता रहा है भी अपनी। देखो जी मेरा खाली काम कस्टमर को समझाना है, बाकी आपकी मर्जी करवाओ या ना करवाओ, बताना चाहिए। नहीं सही है, 5000 किलोमीटर का आपकी गाड़ी अलाइनमेंट करना चाहिए। छोटे शहरों में इतना पता यार नॉलेज है नहीं, छोटे क्या बड़े शहरों में भी लोग बहुत अवॉइड करते हैं चीज़ को, ध्यान ही नहीं। अभी सी एच का टायर आया कम से कम कंपनी 1,00,000 किलोमीटर कह रही है इनको चलने का, मगर 70-80 भी हमने देखे ही चलते हुए। अभी अभी टायर आपके 70-80 चल जाएंगे आराम से चल जाएंगे, क्योंकि ये गाड़ी यहीं चलती है सिर्फ हरिद्वार में। हरिद्वार चलेगी, रुड़की चलेगी या दिल्ली चलेगी बस? ये आराम से चलेगा, बस अगली बार फिर 10,000 का करवाना। मतलब ये हर 5,000 पे तो करना है, 5,000 किलोमीटर पे जरूर ही बस। देखो बजट कितनी सारी निकली है, तो मुझे लग रहा है इसी टायर में ज़्यादा फंस रही है छोटी, पीछे वाला भी ज़्यादा फंसते हैं चलाने के ऊपर, आपके ऊपर बात है। सारे टायर बढ़िया होते हैं, बस मेन चीज काम, बिल्कुल 5,000 किलोमीटर में। अब ये भी नहीं है ना गड्ढों में उतार के ले जा रहे हो, फिर चाह रहे हो कि तो वैसे ही चले, फिर टायर परफॉर्म ऐसे ही करें। तो 15 ग्राम आ रहा है, अब मैं पुराने वाला उतार दूंगा ये। अच्छा ये वेट लग के आ रहा कंपनी से, कंपनी खुद करके देती है 5,000 किलोमीटर हुआ, मतलब शुरू में तो करती होगी जब अलाइनमेंट करती होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये 15 ग्राम मांग रहा है इसमें ना, पीछे का टायर था ना 15 ग्राम एक्स्ट्रा हो रहा था, वो मैंने निकाल दिया, जीरो। अच्छा एक्स्ट्रा हो रहा था क्या, एक्स्ट्रा हो रहा था बैलेंसिंग के लिए होता है। बहुत सी बार क्या हो, जब लेवल चलता है ना वेट ज़्यादा भी होता है तो निकालना। अच्छा ये पहली बार देखा हमने, वेट निकालना पड़ गया। देखो अब जीरो आ गया, अभी आगे आ जाएगा आपका, अरे यहाँ यहाँ लगेगा। वेट निकालने का मतलब ये हो गया, मैं 15 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। वाला मजाक कर रहा था, सारे उतार रहे। अच्छा ये काम दिल्ली में होता चले, हमारे पैसे बच रहे हैं, क्या दिक्कत यार। देखो जहाँ भरोसे का काम हो ना, जहाँ गाड़ियाँ तो वहाँ बंदा खुद भी फिर काम सही से करे। दुकान कितने बजे खोलते हैं अभी? हम खोलते हैं 10 बजे। 10 बजे तक? 9:30-9:30 बजे अच्छा, पिछली बार कोई तुम्हें कोई भाई मिला था यहाँ, वो तो कहता कि हम जल्दी निकल जाए थोड़ा। ये वेट मांग रहा है, इधर आ गया जीरो, ये निकाल दो। ये क्या बताया था इसने, वेट ऐड करने को कह रहा था, वेट ज़्यादा हो रहा मतलब। अच्छा अच्छा, अब एक काम कितना मांगता है, अब 20 ग्राम दूसरी जगह लगाना पड़ेगा, हाँ गलत लग रहा था ना, ये इधर ऐड कर दिया। अच्छा अभी का वेट था, ये वहाँ से पता लगा, वो ग्रीन एकदम इंडिकेशन आया ना। इधर 10 मांग रहा है, अच्छा ग्रीन इंडिकेशन आया पता लगा।
अच्छा अगर लेफ्ट वाली है तो उस साइड वेट ऐड करना, इस साइड है तो राइट में वेट ऐड करना। अच्छा मतलब बराबर हो गया, बराबर हो गया। टायर गाड़ी में लग के तो छोटे से लग रहे हैं, उतर के बड़े लगे हैं। आपकी गाड़ी में सीएट के लगे बेटा? हाँ कंपनी सही है, सीएट के गया ठीक है भाई, जो कंपनी लगा के दे रही ना बस वही चलाओ, कुछ ना कुछ आरएनडी करके दे कंपनी, कहीं लोग बाद में चेंज करा लें। ना बेकार है चेंज करवाना। वैसे इस टायर की कॉस्ट कितनी होगी नए टायर की? इस वाले की टायर की 2600 रुपये हो गई, अब पहले 2400 रुपये थी, अब 2600 हो गई। तो 200 रुपये बढ़ गए, रेट बढ़ गया। 12 इंच है शायद ना? 12 इंच है, 2600 रुपये पेयर है। और कितनी वारंटी भी दे कंपनी इसमें? वारंटी 2 साल की होती है, कटने फटने की। फट जा आपको नया टायर मिल जाएगा, घिसाई के पैसे देने पड़ते हैं। तो आज चेंज मिलता है आपको नया, जब आपके टायर में कट लग गया ना आप यहाँ लाओगे सेट कॉपी में, हर तो आपको चेंज करके दे देगा, नया टायर दे देगा। और जो घिसाई के पैसे हो गए आपके पास मैसेज आ जाएगा। अच्छा अच्छा, उसके पैसे काट लेगा, बाकी नया टायर दे देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, टायर में आधा माल होना चाहिए 50%। भले घिसे हुए दे दिए, घिसाई के पैसे लेती है ना कंपनी, आपको हर तो नया टायर मिल जाएगा। या तो 2 साल या कुछ किलोमीटर भी है, कितने किलोमीटर चल रहे हैं, 1,00,000 किलोमीटर, या सीधा 2 साल की वारंटी? ना 2 साल की गारंटी होती है, आधा माल होना चाहिए। अच्छा अच्छा, 5 साल ही फोन देगी होती है। हाँ हाँ, 5 साल ही फोन देगी, 2 साल ही करने पड़ते हैं। हाँ हमारे टायर में एक फायदा हो रहा है, CX-OBC टायर लोगे ना हर तो और आपको रिप्लेस मिलेगा, और बाकी कोई कंपनी का टायर लोगे ना, अपोलो हो गया, JK हो गया, ये आपको आज चेंज नहीं कर देते, ये अपोलो वगैरह हो गया। हाँ, ये परेशान करते हैं कस्टमर का। अच्छा अच्छा, आज ये अभी आया टायर कल आज परसों चक्कर कटाते हैं, और CX-OBC में मगर ये दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाथ क्या आता हो और जो भी है करके ले जाओ, और अपना मतलब वो बता दो जिस नाम से टायर ले रखा हो, बस वो डाल दीजिए, आपके नाम खुल जाएगा, उसमें आपका चेंज मिल जाएगा आपको। अब जैसे नई गाड़ी है तो गाड़ी के क्या रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ उठेगा ना? जरा आपकी नई गाड़ी ना टायर, आपने आप बताओगे मुझे ऐसा से मेरी गाड़ी में सेल के टायर लगे हुए, आपको आज तो आज हम देखेंगे रजिस्टर नंबर। अच्छा अच्छा, उसका सीरियल नंबर होता है, घिसाई के जो होता है, मतलब ये लोट का माल जो है इस महीने या इस साल की मैन्युफैक्चरिंग है उसके साथ आ जाएगा, बस जो घिसाई के पैसे को ले लेंगे आपको नया टायर दे देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गाड़ी है, मगर ये फायदा CX-OBC में और जल्दी से कहीं नहीं मिलने का आपको। अच्छा, तो मतलब चाहे किसी भी शहर में हो, किसी भी उसमें कोई से में भी हो। अच्छा चलो, ये तो बढ़िया सर्विस है यार, कोई से भी शहर में हो। सीएट तो इंडियन ब्रांड है शायद? हाँ, ये बाहर का है ना? इंडियन का है, ये का है सीएट। अच्छा, कोई से भी उसमें चल जाओ, आप सीएट के शोरूम में आप बता देना ऐसा ऐसा बात है, आपको आपका रिप्लेस मिलेगा। यहाँ ये शो करेगा एकदम जीरो है, तो इसका मतलब परफेक्ट है। बिल्कुल जीरो है, कोई दिक्कत नहीं। पीछे से बोल रहा था ना, पीछे आया, पीछे के टायर में कम है राइट का। अरे जीरो आ गया बिल्कुल। कई लोग बैलेंसिंग नहीं कराते, अलाइनमेंट पे ध्यान दें, वैसे दोनों चीज़ जरूरी है, दोनों चीज़ ही है, हर 5,000 किलोमीटर में दोनों चीज़ ही है। अलाइनमेंट से क्या होता है, टायर जो अंदर से खाती है ना, अलाइनमेंट से वो ठीक हो जाता है, बैलेंसिंग से टायर की लाइफ मिलती है, आगे ज़्यादा घिसता है ना टायर, पीछे कम घिसता है।
तुम भी परफेक्ट हो गए बिल्कुल हैं। एक दो सेकंड में टाइम निकालना करना है, प्रैक्टिस हो जाए करने की। हैं चेक करना पड़ता है ना थोड़े। तो इस मशीन में टॉर्क सेट करना पड़ता होगा ना कितने उस पे। हाँ, हमने 3 पे कर रखा है मगर फिर भी मैं हाथ मारता हूँ। तो हर मशीन के हिसाब से अलग होता है, मतलब गाड़ी के हिसाब से। सॉरी, वैसे तो ठीक हो जाती है टाइट मगर फिर भी बहुत सी बार मशीन एक आधा ढीला रह जाए। अच्छा मशीन पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अब हवा करते हैं हम। ये नॉर्मली हवा है ना? नॉर्मल है। नेट ऑन नहीं डली आपकी गाड़ी? नहीं, मैंने मना कर दिया, मैं अभी प्रेफर नहीं करता नेट ऑन। अच्छा अच्छा, नॉर्मल कर देते हैं। हां, गर्मियों में फायदा है नाइट्रोजन का बहुत। लोकल घूमने में क्या दिक्कत है अगर जहां बाहर गाड़ी? लोकल में कोई दिक्कत नहीं। हां बस वही ना, क्योंकि ये तो लोकल ही चलनी। टीसी चेक करना था। 30 का 32 कर दो, 2 पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समय 32 कर दो। जहाँ हाईवे पे ज़्यादा चलना हो या सीमेंट रोड हो ना, वहाँ तो चलवा लो। चलो अब यहाँ लोकल में तो इतनी कोई दिक्कत है नहीं। लोकल में दिक्कत नहीं है। और क्या, अभी इन्हें सिस्टम में डालना पड़ेगा। टारगेट लगाना पड़ता है, जो डाटा को रखा है अपने। हाँ, अलाइनमेंट हो गया। ये सेंसर लग रहा होंगे इसमें? सेंसर है। अच्छा, ये सेंसर यहाँ से सेंस करेगा। हाँ जी, ये टारगेट बोलते हैं इनका। टारगेट लगानी पड़ती है। पीछे का भी देखना पड़ता है? पीछे नहीं होती है। तो ये कहीं के लिए, पीछे कहीं के लिए? ये चारों लगाते हैं जब कैच करते हैं। अच्छा, लगानी पड़ती है चारों को। 4x4 में होती है पीछे के लिए। ये इसमें डाटा पहले से ही है, ये हमने हटना पड़ेगा ना। कोई ना कोई है अंदर होगा, कोई आके या चला लाल हो जाता है। हां, डाटा में करता है अभी मांग रही पीछे रोके, ये पीछे कर रहे हैं। अरे पीछे का है जो दिखा रहा ना? हां, ये पीछे का है रोटर का पीछे। हां अच्छा, ये हैंडल लॉक किया? हाँ जी, वो ब्रेक लॉक करना पड़ता है, हैंडल बाद में करेंगे लोग। अच्छा, ब्रेक को काम करने पड़ते हैं। है ना, ब्रेक पहले स्टार्ट करके हमने ब्रेक लॉक कर दिया। हाँ। फिर ओके करना, फिर कुंडे निकालने इसके। अच्छा, ये लगा के ना फिर कुंडे निकालने पड़ते हैं। हाँ। ये कुंडे निकाल के फिर यहाँ से ओके करना पड़ता है। अच्छा। स्टीयरिंग इधर मिलेगा।
अच्छा भैया स्टॉप करा, इतना इतना करना है माइनस 10 डिग्री। अभी क्या बता रहा है, आगे की तरफ करना है? हाँ जी आगे करना है। ओके फिर ओके फिर ओके लाइव एंड बहुत आउट। ये क्या नंबर होते हैं बीच वाले? अच्छा तो ये अलाइनमेंट बाहर दिखा रहा है ना काफ़ी। आपका स्टीयरिंग भी टेढ़ा था। लेफ्ट की तरफ जा रहा था क्या? राइट हो रहा है, स्टीयरिंग राइट की तरफ। अच्छा राइट साइड आपका स्टीयरिंग भी टेढ़ा, अलाइनमेंट ठीक पड़ी है। अरे मैं अलाइनमेंट सीधी कर दो सही। स्टीयरिंग कौन से वाला है, ऊपर वाला? नहीं स्टीयरिंग में यहाँ से मिला है, ये नीचे का अलाइनमेंट होती है। बीच वाले कैम्बर होते हैं। यहाँ कैसे देख रहे हो स्टीयरिंग कि बाहर है? ये बीच वाले कैम्बर होते हैं। हाँ। ये नीचे की अलाइनमेंट होती है। अच्छा अच्छा ये कैस्टर होता है। हाँ। वैसे बड़ी गाड़ी में होता है कैस्टर। हाँ। इसमें नहीं होता जल्दी से। अच्छा। मगर इसका भी पता चल जाता है, गाड़ी लगी हुई होती है ना, कैस्टर भी बता देता है मैं गाड़ी लगी हुई है, आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, लगी भी नहीं है। अच्छा अच्छा ये कैम्बर होते हैं, मतलब ग्रीन जोन में होना चाहिए ये। हाँ जी ग्रीन में होना चाहिए, इतनी बना रखी है। हाँ 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 के भी एडजस्ट कर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी स्टीयरिंग थोड़ा आपका राइट की तरफ है, राइट हो रहा। हाँ अब मैं सीधा कर रहा हूँ बिल्कुल, अभी वो अलाइनमेंट आउट हो गई है। अच्छा अच्छा फिर इसको ग्रीन में करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है। मेरा कोई स्टीयरिंग टाइट आया रहा। हाँ ये राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है अब मैं इसको ऐसे करूँगा सीधा, फिर वहाँ मुझे अलाइनमेंट मिलानी पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर इसे यहीं पर कस दोगे? बस यहीं से स्टॉप कर देता हूँ। ओके ओके मैंने स्टॉप कर दिया। अब बिल्कुल सीधा हो गया स्टीयरिंग। अच्छा यहाँ लॉक करके फिर इसको यहाँ पे करोगे? अगर अलाइनमेंट मिलानी पड़ेगी। अभी अलाइनमेंट आउट हो गए ना। हाँ, अब इसको सीधे करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। इसको हैंड बोलते हैं, ये वाइज हैंड है। अच्छा अच्छा ये अलाइनमेंट होती है। देख कितने नंबर की चाबी से होता है ये? 17 नंबर। अच्छा 14 नंबर की चाबी से वाल जॉइंट घुमाना पड़ता है। ये देखो वाल जॉइंट है ना, ये वाल जॉइंट घुमाना है। हां तो ये चूड़ी चूड़ी सिस्टम होता है क्या? चूड़ी सिस्टम होता है स्टीयरिंग का। अच्छा 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 अभी राइट वाला अभी है ना। इसमें दो चाबी की जरूरत पड़ती है, एक 17 नंबर की नंबर। अच्छा अच्छा भी आप से भी बोल सकते हो। ये गया था। अच्छा। वैसे ग्रीन जोन में आते लॉक कर दो ये। ये नीचे से अब इन्होंने लॉक किया है, अब ये सारा जितना भी है ग्रीन जोन में हो गया। स्टीयरिंग भी हमारा ग्रीन जोन में आ गया और जो नीचे बैलेंसिंग है वो भी हमारे ग्रीन जोन में आ गई, तो ये कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जब बैलेंसिंग अलाइनमेंट टाइट हो जाता है स्टीयरिंग, तो गाड़ी चलाने में भी ऐसा लगता है कि थोड़े बिल्कुल स्ट्रेट चिपक के चल रही हो। हाँ जी ये होता है, थोड़ा एवरेज में बहुत फर्क पड़ता है और गाड़ी चलाने में भी मजा आता है। हाँ। अभी आपका क्या हो रहा है, स्टीयरिंग राइट को हो रहा ना, आप सीधा कर रहे हो तो पूरी लेफ्ट को भाग रही होगी गाड़ी। अब हाथ छोड़ के चलाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी भी अलाइनमेंट का देखना हो ना, गाड़ी भाग रही हो ना, सिमिलर अलाइनमेंट आउट होती है। अच्छा अच्छा तो सीधी रोड पे चला के टेस्ट करो, सीधी रोड में पता चलता है गाड़ी का।
किसी को नहीं मालूम है अलाइनमेंट कैसे होती है, अलाइनमेंट कैसे पता करे। सीधी रोड पे देखो अगर इस तरीके हमारा सीधा आ रहा है, सीधी गाड़ी चल रही है, समझ लो अलाइनमेंट ठीक है हमारी। लेफ्ट में जा रही है तो लेफ्ट आउट है। आप अभी चला के आए होगा, आपकी गाड़ी लेफ्ट को जा रही होगी। ध्यान नहीं दिया हमने, आपने ध्यान नहीं दिया, देखते कभी। अच्छा अच्छा, लेफ्ट को जा रही होगी गाड़ी आपकी। तो क्या लेफ्ट की तरफ आउट रहा? हाँ, गाड़ी तो मतलब जो स्टीयरिंग चलता है ना, वो स्टीयरिंग सीधा करते ही वो लेफ्ट को भाग लेगी पूरी गाड़ी। अच्छा अच्छा, राइट राइट को साइड पर था ना स्टीयरिंग आपका टेढ़ा। हाँ हाँ हाँ, फिर लेफ्ट को भागनी गाड़ी। अब आप हाथ छोड़ भी चला ना, कोई भी दिक्कत नहीं आती। ये हो गई आपके अलाइनमेंट, अब तीनों चीज ग्रीन हो गई। कितना टाइम लगा हम उसके लिए? 20 मिनट भी लगे? 5 मिनट में हो जाती है अलाइनमेंट, ओके हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने प्रिंट निकाल दिया यहीं से। अच्छा, इसकी रिपोर्ट आ जाएगी सारी? सारी रिपोर्ट आ जाएगी। सारा रेडी हो गया मैं? सारा रेडी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, 1500 किलोमीटर फिर चेकअप भी है। 1500 किलोमीटर? 1500 किलोमीटर है, डेढ़ महीना कोई। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी हर 5000 का अलाइनमेंट पहले भी करवा लेते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये सारी इसमें दे दी है, फ्रंट में रियर में कितना क्या काम हुआ? हाँ, सारी चीज़ है। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये अलाइनमेंट और बैलेंसिंग हमारी हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।